देश के जाने माने चैनल एबीपी न्यूज से पुनी प्रसून वाजपेयी के निकलने के बाद से मीडिया जगत में मानो सुनामी आ गई हो। सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक बगल में है सूचना भवन। सूचना भवन के 10वीं मंजिल ही देश भर के न्यूज चैनलों पर सरकारी निगरानी का ग्राउंड जीरो है और हर दिन यहां पर 200 लोगों की टीम देश के सभी चैनलों पर निगरानी रखती है। और बीते 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मॉनिटरिंग करने वालों के मोबाइल अब बाहर ही रखवा लिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मास्टर स्ट्रोक की मॉनिटरिंग की जानकारी बाहर चली गई है। आपको बता दें, इस फैसले से साफ लग रहा है कि मीडिया पर अब सरकार की पैनी नजर है। दिलचस्प तो यह है कि मॉनिटरिंग के निशाने पर सबसे पहले डीडी न्यूज ही आया, जिसने शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा को सबसे कम कवरेज किया। उसके बाद डीडी न्यूज में ही खासा बदलाव हो गया और इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर प्राइवेट चैनल पर देखने को मिलेगा। खैर, अब देखना यह होगा कि सरकार के इस फैसले पर चैनल कैसे काम करता है। एसपीएन न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।